विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। आरक्षण की मांग को लेकर कुर्मी समुदाय ने तेज किया आंदोलन। बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में रेल सेवाएं बाधित। कुर्मी समुदाय खुद को एसटी वर्ग में शामिल करने की कर रहा है मांग। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर हलचल तेज। सोनिया गांधी ने पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल को दिल्ली बुलाया। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल के साथ चल रहे हैं वेणुगोपाल। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी केस में जारी जांच। एमबीए छात्रा के मोबाइल से मिले 12 से ज्यादा वीडियो। 3 महिला सदस्यों की एसआईटी कर रही जांच। जर्मन में मान के साथ क्या हुआ, पूरी जानकारी जुटाने में जुटी केंद्र सरकार। कांग्रेस और अकाली दल का आरोप, नशे के चलते मान ने कराई दिल्ली आने वाली फ्लाइट में देरी। शिक्षा भर्ती घोटाला में ईडी का बड़ा एक्शन। मामले में आरोपी पार्थ चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी के खिलाफ चार्जशीट की दाखिल। गुजरात चुनाव में ताकत झोंक रही बीजेपी। पीएम मोदी ने मेयर्स और डिप्टी मेयर्स को दी नसीहत। कहा, आप अपने शहर में ऐसा काम करें कि आने वाली पीढ़ी आपको याद करे। जगदानंद सिंह बने बिहार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया जगदानंद के नाम का प्रस्ताव। विरोध में किसी और ने नहीं की दावेदारी। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। जनता के लिए भार बन गई है बीजेपी। यूपी में अभाव और अराजकता के लिए कोई स्थान नहीं। चुनाव आयोग ने रखा प्रस्ताव। राजनीतिक चंदे की सीमा 20,000 से घटाकर 2,000 करने का प्रस्ताव। काले धन के इस्तेमाल पर कसेगा शिकंजा। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में गरज के साथ बारिश। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान रह सकता है 33 डिग्री। निवेश का केंद्र बनेगा न्यू नोएडा। इंदौर, औरंगाबाद टाउनशिप की तर्ज पर होगा विकसित। साल 2023 में होने वाला है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन। कश्मीर और जनता को मिला मनोरंजन का तोहफा। 32 साल बाद खुले सिनेमा हॉल, आतंकियों ने 1990 में करा दिए थे बंद। लोगों को लगेगा महंगाई का झटका। उत्पादन कम होने से बढ़ सकते हैं चावल के दाम। महंगाई की दरों पर भी पड़ेगा असर।